अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो कमाल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूना के बारे में। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको पहले ही वार्न करा था कि भाई लूना में आपने नहीं लगाना पैसा, लूना आपको लगा देगा चूना। तो आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी तो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें ये मैंने इस पर क्या कहा था। और जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, बात करी थी इसकी, तो लूना चल रहा था 0.0004, ठीक है। अगर अभी हम आगे देखें तो 0.00019, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 2 ही कर देते हैं यार, 0.0002, ठीक है। तो मतलब अगर आप इस पर $1,000 लगाते तो आपके $500 तो खुश हो जाते हैं, अगर आप इसमें $100 लगाते तो $50 पुर हो जाते, ठीक है। तो मतलब आपका हाफ आपके पैसे बच गए। अगर मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि अगर आपने इसमें लूना में अगर पैसे लगाए हैं तो निकाल लें फ़ौरन से, क्योंकि ये होने वाला है डंप, क्योंकि और ज़्यादा डंप होगा, ठीक है। और अगर आपने नहीं लगाए और लगाना चाह रहे हैं तो बेहतर है इससे बच के रहें, ठीक है। आपको पता होगा काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई थी कि भाई लूना जाएगा, आप ऊपर लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने आपको कहा था नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। तो अगर अब हम जाके देखें, बिटकॉइन सेम वही रेट चल रहा जो उस दिन चल रहा था, ठीक है, मतलब लूना भी वही होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो लूना हो गया डम। अगर लूना के ट्विटर पर आगे देखें तो लूना का यहाँ पर ये जो पिन पोस्ट है लूना की, ये वाला पिन ट्वीट, यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो लूना का ये जो लूना फाउंडेशन की ये जो पोस्ट है, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम 16 मई की, ठीक है। अब अगर 16 मई की बात करें, 7 मई की, ठीक है, 7 मई की अगर हम बात करें तो 7 मई को लूना के पास पड़ा हुआ था 80,000 बिटकॉइन और 80,300 से ऊपर बिटकॉइन, ठीक है, BNB पड़ा हुआ था लगभग 40,000 के करीब BNB और $26 मिलियन के करीब। ये मतलब बहुत सारा पैसा था यार। ये यहाँ पर USDC देखें आगे, तो भाई यार मार्केट क्रैश होने का जो रीज़न था, ये जो बेयर मार्केट ये वाली चलने का, बेयर अभी जो चल रही है फिलहाल, तो हम लोग बॉटम टच करके आए बिटकॉइन का, तो उसका भैया पूरा जो रीज़न था उसका, उसके पीछे ये था लूना फाउंडेशन, जिसने अपने ये सारे BTC डंप करे। अगर आप नीचे आगे देखें, 7 मई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर आप नीचे आगे देखें तो भैया ये पूरी कहानी बता रहे हैं कि भाई हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये करा। और आखिरी इसका ट्वीट आप आगे चेक करें, नीचे 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 कहाँ गया भैया, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे। तो ये 16 तारीख की बात है, 16 मई की बात है, आज क्या है, 17 चल रही है, आज 16 की बात है। 16 का भैया कह रहे हैं कि भाई आज इनके पास 313 BTC हैं और ये 40,000 BNB हैं और 1.9 मिलियन ये हैं, और एवलॉन्च है ना ये तो, और अपना USD है इतने। USD की तो खैर कोई वैल्यू नहीं है, अब वर्थ नहीं रखता। तो लूना ने भाई क्या करा, अपने USD को बचाने के लिए सारे BTC हमारे ऊपर डंप कर दिया और लूना ने लगा दिया सबको चूना। तो भाई लोगों का कहना है यार ये मैनिपुलेशन करा इन्होंने, अंदर का कोई सीन था, इनका सेटअप था, अल्लाह बेहतर जानते क्या सीन था। लेकिन लूना के पास अब हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि मज़ीद BTC और डंप होगा, क्योंकि यार इसने तो सारे डंप कर दिए अपने BTC जितने थे इसके पास। CZ ने जब बार बार पूछा तो ये कोई बता नहीं रहे थे, फिर उसके 2 दिन बाद ये ट्वीट आया इनका कि भाई ये हमने मतलब डंप करे सारे, हमने USD बाय करे, तो अब इनके पास 313 BTC पड़े हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे यार ये लगभग 80,000 से, मतलब हाँ 313 मतलब ये 394 ये बचे हैं इनके बाद, ठीक है, 80,000 BTC से ज़्यादा इन लोगों ने डंप करे। और फिर भी आप जाके देखें मार्केट ने अच्छा खासा संभाल लिया, मतलब इसका कहने का मकसद ये है कि अगर माइक्रो स्ट्रेटजी अगर सेलर भी अगर ये करता है, ठीक है, माइकल सेलर भी अगर हमारे ऊपर डंप करेगा तो हमें हाँ फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम डूब जाएँ जैसे 2018 में हुआ था, डायरेक्ट हम लोग इतना नीचे आके गिरे थे। तो काफ़ी मैच्योर हो रही है मार्केटिंग है, आने वाले कुछ 5-6 सालों में और ज़्यादा मैच्योर होगी। तो मैं यही कहूँगा यार इन चीज़ों से ना अल्ट कॉइन में लगाएं पैसा, लेकिन यार इतना नहीं होता कि अंदर तो ना आप पूरा अपना जितनी नेटवर्थ है आप सारी लगा दें, ठीक है। हाँ होता है यार 10% लगाएं ओवरऑल पूरा नेटवर्थ का, 10 पोर्टफोलियो का 10% लगाएं, 15 लगाएं, मैक्सिमम 20 लगाएं, उसके अलावा नहीं लगाना। उसके बाद बिटकॉइन किंग है यार, ये BNB चले आएगा, USDC चले, स्टेबल कॉइन चले आएंगे, लूना की तरह चूना लगा के चले आएंगे। लूना अगर आपको पता होगा, अगर 1-2 महीने पहले की बात करें तो USDT ये जो टेरा लूना का ये जो स्टेबल कॉइन था, इसकी बड़े बड़े यार यूट्यूबर इसकी तारीफें करते थे, चीको क्रिप्टो करता था और अल्ट कॉइन डेली, पता नहीं कितने यार बड़े बड़े जितने यूट्यूबर हैं सब इसकी तारीफें करते थे। और अब आप देखें लूना का क्या हालत हुई है लूना की। तो
तो कहने का मकसद यही है भाई कि बच के रहें इससे, बिटकॉइन कहेंगे ठीक है, बाकी सारा फेक है, फेक तो नहीं कहूँगा लेकिन यार मेच्योर नहीं हुए अभी बच्चे सारे, मार्केट बड़ी नहीं हुई, इनको बिटकॉइन को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी हैं इवन के बीएनबी सेंट्रलाइज है ना, इसको भी सीधी चाहे तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो थोड़ा बच के रहें ठीक है, बिटकॉइन में लगाएं जितना अगर आपने लगाना है क्रिप्टो में तो बिटकॉइन में लगाएं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, तो बिटकॉइन में लगाएं और बाकी चीज़ों में लगाएं, छोटा छोटा आपका दिल करता है खेलने के लिए करें, तो मिलते हैं अगली वीडियो में ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार गाइस प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यार, मैं मोटिवेट होता हूँ अगली वीडियो बनाने के लिए, तो लव यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Guide for the lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Are